जैन साथियों, यूपी पुलिस के एग्जाम से संबंधित आज का न्यूज़पेपर के अंदर जो कटिंग आया है उसमें क्या लिखा गया है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि अब वाकई में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सितंबर तक चला जाएगा। देख लीजिएगा पहले क्या क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पेपर सितंबर में होगा, बहुत लेट हो गया है, ये आप सब मानते हैं। एंड यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के मंथ में जो है वो हो सकता है, ऐसा जो वो कटिंग है वो आप न्यूज़पेपर में देख पाएंगे। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिएगा, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कांवड़ यात्रा के बाद लिखित परीक्षा होने के आसार हैं, 60,244 पदों पर होनी है सीधी भर्ती। चलिए अब हम इसके मुख्य जो न्यूज़ है देख सकते हैं, मैं आपको वो न्यूज़ जो है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको पता है अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ, और ये कल शाम को ही जो पता चल गया था कि ऐसा कुछ प्रिंट होने वाला है नेक्स्ट डे। और यहाँ पर वही चीज़ देख सकते हैं आपके सामने कि भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के चयन का कार्य तकरीबन पूरा कर लिया है। ठीक है भाई, सेंटर वेंटर जो है वो जितने बनाने थे वो बन गए हैं। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक जो है वो की जानी है। ओके, बता दें कि भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के चयन का कार्य तकरीबन पूरा कर लिया है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा बीते दिनों ये सब राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक की जाएगी ताकि गड़बड़ी की कोई भी संभावना ना रहे। ये इस तरीके से जो है वो बात कही जा रही है। आगे देखिएगा, सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 महीने में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है। परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की राह में कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि कांवड़ यात्रा खत्म हो जाए और बाढ़ की स्थिति में सुधार आ जाए उसके बाद में ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप देखिए कांवड़ यात्रा एंड बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए ये इस तरीके से यहाँ पर लिख रहा है। आगे देखिए, बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा फरवरी माह में हुई थी, जिसका पेपर लीक होने की वजह से 6 माह में दोबारा कराने का आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया था। बोर्ड के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक अगस्त माह में परीक्षा आयोजित करने की कवायद में जुटे थे। हालांकि कांवड़ यात्रा की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश में 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में बाढ़ के हालात की वजह से इसमें अब देरी हो सकती है। ये न्यूज़ आपने पढ़ लिया। एंड देखिएगा, अभी 2 दिन पहले ही अमर उजाला के न्यूज़पेपर में ही क्या लिखा हुआ था कि ये जो एग्ज़ाम वो मतलब इन्होंने क्या बोला था, नेक्स्ट मंथ में इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा, तिथि जारी हो जाएगा एंड अगस्त माह में जो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जस्ट 1 दिन बाद ये सारी स्थिति चेंज हो गई है। क्या बाढ़ सिर्फ आपको पता है सिर्फ 1 दिन, ऐसा तो नहीं रात रात में बाढ़ आ गई हो, ये तो स्थिति पिछले 5-6 दिन से लगातार चल रही है। और देखो कांवड़ यात्रा की ऐसी बात है कि देखिए, क्योंकि हमने सहारनपुर में देख रखा है कि यहाँ पर जो कांवड़ यात्रा है, शायद ठीक हूँ तो मैं 21 तारीख से चालू हो रही है और वो लगभग जो है वो है ना 10-15 दिन तक वो चलता ही रहता है। तो आप ये मान के चलें लगभग जो है वो, अब देखो ये जुलाई है, 15 अगस्त तक तो भाई कुछ होने वाला नहीं है, विशेषकर आप मान के चलें। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप देखेंगे ना, रोडों पर आपको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आप अगर हरिद्वार की सोच रहे हैं कभी भी प्लानिंग, तो भाई फिलहाल में मत करना। अगर कांवड़ यात्रा आप कर रहे हैं, डाक यात्रा भी होती है, डाक कांवड़ यात्रा भी होती है, उसे भाग भाग करके वो आर्मी वाले जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कांवड़ यात्रा बहुत ज़्यादा चलता है, ये सच बात है। और देखो कांवड़ यात्रा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि यहाँ के जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं ना भाई, वो भी अपनी छुट्टी कर देते हैं। जब तक यात्रा चलती रहती है तब तक वो अपनी स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं। जैसे गर्मियों की सर्दियों की छुट्टी होती है ना, वैसे कांवड़ यात्रा की वजह से भी जो स्कूलों की छुट्टी होती है, ये सही बात है। क्योंकि सारे रोड जो होते हैं ब्लॉक होते हैं। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगहों पर, काफ़ी जिलों में जो है बाढ़ जो आ रही है और बहुत जिले जो उससे प्रभावित हैं। अब मान लो एग्ज़ाम करा दिया जाए, आपका सेंटर पता चला कि बाढ़ के बीच में आपका एग्ज़ाम सेंटर है, अब आप कैसे एग्ज़ाम देने जा पाएंगे? तो ये एक बड़ी और एकदम विकट सिचुएशन आ गई। बोलो यस और नो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ
कि ये जो स्थिति है ये लगभग 15 अगस्त के बाद में ही सुधरेगी, 15 अगस्त से पहले तो कुछ सुधार होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और ये देखेगा, अब देखो क्योंकि रोजाना नया नया अपडेट आता है, उस पर फिलहाल में आप अपना व्यक्तित्व तो नहीं देने वाले, लेकिन बस यही है कि कोई भी अपडेट आपको बता दिया, लेकिन आप ये मान के चलें कि देखिएगा ऑलरेडी कावड़ और फिर बाढ़। चलो बाढ़ तो ऐसी स्थिति है कि आए दिनों हो सकता है बरसात कम हो जाए और उसके बाद में ऑटोमेटिक, क्योंकि तो ये सीजन है, इसमें नो डाउट है ये जो बरसात का सीजन है, इस वजह से इस चौमासा है और इस टाइम पर समझ रहे हो ना बारिश का होना स्वाभाविक सी बात है। अब इसके बीच में अगर एक और बात हम कह दें कि देखो बाढ़ का आना स्वाभाविक सी बात ऐसी, क्योंकि मौसम में ज़्यादा बारिश हो गई है तो इसलिए बाढ़ जो है वो आ गई है, लेकिन कावड़ यात्रा तो हर साल निकलती है और इस टाइम पर ऑलरेडी देखो अगर आपका मान लीजिएगा कि इसी दौरान अगर आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाता ना तो आप भाई साहब पेपर देने ही नहीं जा पाते। जितनी भी ट्रेनें ना, जितनी भी ट्रेनें चलेंगी वो सब के सब एकदम ओवरलोड। देख लीजिए, आप सहारनपुर क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर इधर साइड से हरिद्वार से, आप देख पाएंगे कि भाई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एकदम जो है झकाझक चलती हैं और आपको बस तो देखने को ही नहीं मिलेगा। बस का जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है कावड़ यात्रियों को ले जाने में, लाने में, उनको हरिद्वार तक पहुँचाने में, तो बहुत बड़ा रोल है। इसलिए ये स्थिति तो एकदम जेन्युइन है। और मुझे याद है कि पिछले दो दिन पहले एक विद्यार्थी ने कमेंट भी किया था कि सर देखो कावड़ यात्रा चालू हो रही है तो जिस तरीके से न्यूज़पेपर में आ रहा है कि अगस्त में पेपर हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा सर संभावना हमें तो नहीं लग रहा। उसकी बात एग्जैक्टली सही थी, नो डाउट। इसलिए अब थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार क्या यार, जैसा आप पढ़ रहे थे वैसा पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आपके पास में दूसरा विकल्प कोई नहीं है, चलेगा। वेलकम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।